देखो भैया, हमने तो पहले ही कहा था कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग खड़े होते हैं। क्यों हिला डाला ना? नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं हम विराट कोहली स्पेशल रणतंत्र। साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप का साल है और उस साल में पहला वनडे मिशन 2023 की शुरुआत गुवाहाटी के स्टेडियम से होनी थी और क्या हुई है भाई साहब, मजा आया। मतलब सच बताऊं तो मुझे तो गुवाहाटी वालों से जलन हो रही है। उन्होंने एक तो विराट कोहली की सेंचुरी देख ली, ऊपर से कल वहां सारे खिलाड़ी हाफ टी शर्ट पहनकर खेल रहे थे, यानी उनके यहाँ जो सर्दी पड़ रही है उससे सिर्फ गाल फट रहे हैं। हमारी वाली सर्दी से तो अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। खैर, विराट कोहली पर वापस आते भाई साहब, हमें हमारा किंग वापस मिल गया है। अब बाकी की दुनिया की टीमों से हम यही कहना चाहते हैं कि सिंहासन खाली करो, किंग कोहली के फैंस आ रहे हैं। साल 2022 हमारे लिए अच्छा था, विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी का सूखा खत्म किया और फॉर्म में वापस आए। साल 2022 के आखिरी वनडे में भी किंग कोहली ने सेंचुरी लगाई थी और अब साल 2023 के पहले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी लगाकर यह बता दिया है कि दुनिया के सारे गेंदबाज अपने अपने बाथरूम में एक बाल्टी एक्स्ट्रा रख लें, बहुत आंसू गिरने वाले हैं। पूरी दुनिया विराट कोहली के इस कारनामे से बेहद खुश है, सिवाय एक दो पाकिस्तानियों के। उनका कहना है कि विराट कोहली की सेंचुरी आई भी तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ। उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा लॉजिकल बात बोल लो यार, अभी आपकी बात हमारे सर के ऊपर से जा रही है बिल्कुल ऐसे। लेकिन विराट कोहली की सेंचुरी मारने से पहले दिन की शुरुआत एक बार फिर आउटरेज के साथ हुई थी। रोहित शर्मा टॉस हारे, उसके बाद उन्होंने बताया कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। यानी एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने पिछले मैच में डबल सेंचुरी मारी और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी दो दिन पहले सेंचुरी मारी, उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है। अरे भाई, किसी और टीम को अगर हमने पूछा ना कि सूर्य कुमार यादव चाहिए या नहीं चाहिए, वो लोग बदले में अपना प्रधानमंत्री एक्सचेंज कर लेंगे, खिलाड़ी की क्या बात है। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, लोगों का गुस्सा गधे की सींग की तरह गायब हो गया। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे गिल ने माहौल बना दिया भाई साहब। पहले रोहित शर्मा की बैक टू बैक बाउंड्री, इसके जवाब में शुभमन गिल ने 1+ करके लगातार 3 बेहतरीन चौके मारे और फिर देखने को हमें मिला रोहित शर्मा का स्पेशल पुल शॉट। कसुन रजिता को शायद श्रीलंका वालों ने बताया नहीं कि जब तक रोहित शर्मा को छोटी गेंद फेंकते रहोगे तब तक रोहित शर्मा आपको उठाकर स्टेडियम से बाहर फेंकते रहेंगे। एक तरफ शुभमन गिल की क्लास थी, दूसरी तरफ हिटमैन का स्वैग, ये दोनों ही श्रीलंका वाले झेल नहीं पाए। और देखते देखते इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप 143 की हो गई। पहला विकेट लेने के बाद खुद कप्तान शनका को गेंदबाजी करने आना पड़ा और उन्होंने आकर सबसे पहले शुभमन गिल को 70 के स्कोर पर आउट किया। रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अपना वनडे डेब्यू कर रहे लघुशंका बाबा मधुशंका ने उनका विकेट ले लिया। लेकिन कोहली को खेलते देखकर हमारे मन में कोई शंका नहीं थी। उनके पहले खेली गई 10 गेंदों से क्लियर हो गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। कोहली का कंट्रोल 90% से भी ज्यादा था, उनको आउट करना तो छोड़िए बीट कराना भी मुश्किल था। और फिर हमें देखने को मिली किंग कोहली की मास्टर क्लास। इस क्लास में ऑन ड्राइव थी, स्ट्रेट ड्राइव थी, कवर ड्राइव थी, मतलब ड्राइव में क्रेजी वाला हिसाब था। शुरू से ही कोहली ने अपना स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर रखा, 12 खूबसूरत चौके और एक जबरदस्त छक्का लगाया। उनके हर शॉट पर गुवाहाटी में बादशाह की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। एक सेकंड, कोहली की वजह से बादशाह की पॉपुलैरिटी कैसी बढ़ी? वो इसलिए क्योंकि शायद गुवाहाटी का डीजे बादशाह का फैन था और हर चौके पर बस उन्हीं का गाना बजा रहा था। लेट्स नाचो से लेकर अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सारे गाने सिर्फ बादशाह के बजाए जा रहे थे। लेकिन मूड तो भैया कोहली की 73वीं इंटरनेशनल सेंचुरी ने बनाया, जो कि मात्र 80 गेंदों में आई। इसी के साथ उनकी वनडे में भी 45 सेंचुरी पूरी हो गई और वो सचिन की 49 सेंचुरी से मात्र 4 सेंचुरी दूर रहे। एक ऐसा रिकॉर्ड जो लगता है कोहली शायद इसी साल तोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल तो उनकी बल्लेबाजी ने श्रीलंका की वो तोड़ दी है। वो क्या कमर? नहीं, उसके नीचे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। सॉरी। और इंडिया ने कोहली की सेंचुरी की वजह से 373 का भारी भरकम स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। इसके बाद तो इंडिया के लिए मैच जीतना बहुत ही सिंपल था। इतना ही सिंपल है आपके लिए पैसे कमाना। अगर आप सिर्फ यस या नो में सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देकर पैसे कमाना चाहते हो तो ट्रैगो ऐप पर ये पॉसिबल है। ढेर सारे सवाल है वहां पर, जैसे क्या सेकंड ODI में इंडिया श्रीलंका से जीतेगी, क्या रोहित शर्मा 50 या उससे ज्यादा स्कोर करेंगे, विराट कोहली 50 या उससे ज्यादा स्कोर करेंगे। मैंने तो यस बताकर 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और मजे की बात यह कि जो भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा उसको मिलेगा 1+ Nord का एक अमेजिंग स्मार्टफोन और बाकी 4 विनर्स को 1000 रुपए का Amazon वाउचर भी मिल सकता है। मैच देखते देखते लाइव क्वेश्चंस के आंसर देकर भी आप पैसे कमा सकते हो, मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा कमाई, और आप जीते हुए रकम इंस्टेंटली UPI से विड्रॉ भी कर सकते हो। सो ट्रैगो ऐप को आप जल्दी से डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, क्रिप्टो, बॉक्स ऑफिस, हर कैटेगरी में आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके आपको ट्रैगो की वेबसाइट पर जाकर ऐप डाउनलोड करना है। साइन अप के टाइम मेरा कोड IS25 यूज करो, 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा। बाकी ये ऐप 100% सेफ है, क्या समझे? और इतना ही सेफ था भारत के लिए 374 का टारगेट। हालांकि ये चेज करना बहुत मुश्किल था और इसको और भी मुश्किल बना दी मोहम्मद सिराज, जिन्होंने मैच की सबसे बेहतरीन गेंद डालकर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन में आविष्कार करने भेज दिया। कुशल मेंडिस को भी सुबह ब्रेकफास्ट में शायद खाली ब्रेड की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि अंडा उनको कल मैदान में मोहम्मद सिराज
ने दे ही दिया था। एक तरफ प्रथम निशंक खड़े थे, दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए कोई था ही नहीं। प्रथम ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी, लेकिन जब उमरान मलिक ने उनका विकेट लिया तब श्रीलंका टारगेट से बहुत दूर थी और ऐसा लग रहा था कि 250 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन श्रीलंका की तरफ से मैच में जान फूंकी उनके कप्तान शानका ने। अभी तक इस दौरे पर श्रीलंका की तरफ से वन मैन आर्मी साबित हुए शानका सातवें नंबर पर बैटिंग करने आए थे। सात नंबर की जर्सी पहनकर आए थे और उन्होंने दिखा दिया कि सात नंबर की जर्सी लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों के साथ क्या क्या कर सकती है। शानका श्रीलंका के श्रवण कुमार साबित हुए। उम्मीद अपने कंधों पर उन्होंने उठाई, लेकिन साथ देने वाला कोई था ही नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट 15-16 का बना हुआ था। नतीजा ये कि शानका इंडिया वालों की तुड़ाई तो कर रहे थे, लेकिन ये रन सिर्फ उनके खाते में जुड़ रहे थे और जीत का फासला कम कर रहे थे। उन्होंने श्रीलंका की पारी एंटरटेनिंग जरूर बना दी और आखिरी ओवर में अपनी सेंचुरी के करीब पहुंच गए, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने उनको नॉन स्ट्राइक रेंट पर गेंद देखने से पहले रन आउट कर दिया। लेकिन हमारे कप्तान रोहित शर्मा का जो दिल है ना, उनके वड़ा पाव के प्यार से भी ज्यादा बड़ा है। उन्होंने अपील विड्रॉ कर ली और शानका को आखिरी ओवर में अपनी सेंचुरी पूरी करने का मौका मिल गया। 88 गेंदों में 108 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली। श्रीलंका भी इसी वजह से 300 पार कर पाया, लेकिन 50 ओवर में 306 ही रन बना पाया। किंग कोहली की वजह से इंडिया को सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई है। अब इस सफर का दूसरा पायदान कोलकाता के ईडन गार्डन में है, जहां कल मैच होगा और उस मैच का पूरा हालचाल और बवाल हम आपको यहीं पर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करिएगा और डिस्क्रिप्शन में ट्रैगो ऐप का लिंक दिया, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो, ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। साथ ही वन प्लस फोन जीतने का भी आपको मौका मिलेगा, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप डाउनलोड करो ट्रैगो। बाकी कमेंट करके बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो और किंग कोहली के लिए कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना नाम जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद।